हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू। और ये लड्डू एकदम डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू हैं। ये लड्डू मैं बनाऊँगी पोहे से और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार अगर आपने बना लिए लड्डू तो आपको बार बार ये लड्डू बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पोहा लिया है। अब इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो इसे देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो लगभग इसे 8 से 10 मिनट लग जाते हैं रोस्ट होने में, लेकिन फ्लेम आपको मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। इसका कलर बहुत चेंज नहीं होता है लेकिन ये क्रंची हो जाते हैं। तो टोटल इसमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो 8 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं मीडियम फ्लेम पे ही भून रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसका थोड़ी अच्छी खुशबू भी आने लगती है इसमें। और ये देखिए मैं थोड़े से पोहे आपको तोड़ रही हूँ, तो ये देखिए कैसे क्रिस्पी हो गए हैं और अपने आप ये टूट रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये टूट रहे हैं, ये पहचान है कि ये अच्छे से रोस्ट हुए हैं। अब हम इसे एकदम बारीक ग्राइंड कर लेंगे, पल्स देते हुए ग्राइंड करें तो अच्छे से ये ग्राइंड हो जाते हैं। ये देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही अच्छे ये ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी ले ली है और घी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं की है, हल्की गर्म है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, तो 4 से 5 काजू हैं, 4 से 5 बादाम हैं। इसे मैंने थोड़ा रफली काट के घी में डाल दिया है। अब ये देखिए ये कैसे थोड़ा थोड़ा ये जब पकने लगे उसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। तो उसके बाद ये देखिए किशमिश फूल गई है, तुरंत ही ये फूल जाती हैं। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे गैस से। और इसके बाद ये जो पोहे का मैंने पाउडर बनाया था रोस्ट करके, ये इसको हम गर्म घी में ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा इसे मैंने गैस से उतार दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, तो एक तरह से गरम ये घी है उसमें मैं ये पोहे को मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर ले, देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें अच्छा टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा हम इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे इस स्टेज पे, 1/3 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है। उसके बाद ये सारा मटेरियल हम अलग एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से छू सकें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी या बूरा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने 1/2 कप से कम पिसी हुई चीनी ऐड की है। तो आप मिठास आपको जैसी पसंद हो आप वैसी यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप से कम चीनी का यूज़ किया है, पिसी हुई चीनी का। अब आप इसके ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा खाते वक्त थोड़े बिखरने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध ऐड करूँगी, जो दूध उबाल के ठंडा कर लेते हैं ये वही दूध है। 2 चम्मच दूध ऐड करने के बाद इसका मिश्रण एकदम परफेक्ट हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। तो इससे क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, ये थोड़े क्रंची भी लगते हैं और थोड़े नरम भी लगते हैं और टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है। मैंने दोनों तरह से बना के ट्राई किए, तो जब मैंने दूध इसमें थोड़ा ऐड करके बनाया तो मुझे टेस्ट और अच्छा लगा। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आप केवल घी से बनाएं। और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि बैचेस में बनाती हूँ तो थोड़ा सा दूध ऐड करके तब बनाती हूँ, तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस तरह से हल्के फुल्के लड्डू बना के ट्राई करें जब भी आपका मीठा खाने का मन करे। और आपको ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं।